Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Badrinath 126, Hemkund 121, 122, Valley of Flowers, Nainital 223, Almora 158, Karan Prayag पहुँच गए. हाँ खड़े होकर गाड़ी आए तो जहाँ से बना सकते Hello adventure lovers, this is your host Vidushi. Today we are in different ambience, different place, a really very beautiful view in front of me. So hum log yahan isliye hain because we, the team Motorhome Adventures, is here basically to recce the route. अगर आप लोगों को नहीं पता तो हमारे वेबसाइट पे कुछ आइटनरीज अवेलेबल हैं, जैसे कि इंशांटेड गेटवे टू मुक्तेश्वर, वी कैन गेटवे टू वाइल्ड, द एडवेंचर्स ऑफ लद्दाख. लद्दाख का सीज़न अभी आने वाला है. सो दीज आर फ्यू ऑफ द आइटनरीज जहाँ पे हम लोग आपको कैरवान में आइसोलेटेड स्पेसेस पे और होटल्स, रेस्टोर से बहुत दूर, जो कैओटिक प्लेसेस हैं जहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, उन प्लेसेस से दूर लेके जाते हैं. एंड दीज आर प्लान्ड आइटनरीज. अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कैरवान को, तो वी वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू कि आप ये आइटनरीज ऑप्ट करिए, बिकॉज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द हैसल ऑफ हम लोग कहाँ स्टेशन करेंगे, हॉल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा. ये प्लेसेस, बिकॉज हम लोग इसी तरीके से जैसे अभी हम आए हैं, राइट नाउ वी हैव जस्ट क्रॉस्ड करण प्रयाग, और हम लोग जो है, हमारे क्लाइंट्स इस टाइम आए हैं इन विलो, उनके साथ वी आर ट्रैवलिंग, बिकॉज जो हमारा रेकी टाइम है दैट केम अक्रॉस द सेम टाइम जब उन लोगों ने ट्रिप बुक करा. तो दे विल बी स्टेइंग इन अ होटल, दे हैव अ होटल बुकड अप देयर, बट हम लोग पर्टिकुलरली ओली और उसके अराउंड जो प्लेसेज है वो रेकी करने के लिए आए हैं. पर्टिकुलरली ओली, इट्स नॉट रियली नियर बाई डेली. तो जो मेजर प्रॉब्लम लोग बोलते हैं, दे डोंट वॉन्ट टू ट्रैवल इन द कैरवान फॉर द होल डे, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नाउ रेकिंग द एरिया. ओली वॉज वन ऑफ द मोस्ट आस्ड लोकेशंस. वैली ऑफ फ्लावर इज़ अ रियली वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, इट्स अ वेरी सीनिक प्लेस. So people had asked us to create an itinerary around this location,
एंड दैट इज़ वाई वेयर हेयर. सो आप लोग आज देखेंगे कि जब हम एज अ टीम ट्रैवल करते हैं इन आर बैकअप विद द रूफ टॉप टेंट एंड आर होल सेटअप, हाउ डू वी लिव एक्चुअली. करेंटली आई एम क्रिएटिंग अ टाइम लैप्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल सीनरी. आई होपफुली वॉज एबल टू कैच द सनसेट. इससे पहले इट वॉज रियली पिंक ऑरेंज, रियली ब्यूटिफुल स्काई. अभी यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट क्रॉस किया है द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स. आई डू नॉट नो द नेम ऑफ द रिवर बट देर वर टू रिवर्स जो मीटअप कर रही थी. राइट नाउ वी आर वेटिंग फॉर आर क्लाइंट्स जो विलो में ट्रैवल कर रहे हैं. एज आई सेड वो अभी आएंगे. फिर यहाँ से जो जोशीमठ तक का रास्ता है, दैट अभी तक जो हम आए हैं वो रास्ता काफ़ी अलॉट इम्प्रूव्ड और काफ़ी ज़्यादा स्टडी हो चुका है. अभी जो पहले आए थे लास्ट ईयर इट्सेल्फ, आई से चार धाम के लिए जब हमारी टीम आई थी यहाँ पे विद सतगुरु, उस टाइम पे भी रोड्स काफ़ी ख़राब थी. अभी बिकॉज मे बी ऑफ द सीज़न टाइम और मे बी बिकॉज पीपल आर नॉट ट्रैवलिंग, हमें इतना ट्रैफिक नहीं मिला. नहीं तो जो पीछे के रूट्स हैं, ऑल दोज रूट्स आर ड्राइवर मालिक भैया ही वॉज टेलिंग अस कि इन रूट्स पे बहुत एक एक घंटे का जाम भी मिलता है. तो वी आर लकी कि हमें जाम नहीं मिला. बट अगेन वी आर स्टिल वेटिंग फॉर आर टीम मेम्बर्स टू अराइव और होपफुली वो आ जाते हैं. अभी इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 PM. हमें पहुँचते पहुँचते आज 10 o'clock तो हो ही जाएगा. दिस इज़ समथिंग दैट वी हैड मेंशन टू द क्लाइंट कि जब आप छोटी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं स्टिल वी कैन ट्रैवल रियली वेरी फास्ट. हमारी गाड़ी आगे चली जाएगी एंड वी आर 1 hour पहले हम उनसे रुके हुए हैं. बट एट द सेम टाइम जब आप कैरवान में ट्रैवल करते हैं जितने भी बार आप रुकेंगे उतनी बार आपका जो टाइम है दैट इज़ गोइंग टू गेट कंज्यूम्ड. और बिकॉज दिस इज़ अ बिगर व्हीकल या आप छोटा गाड़ी भी अगर आप छोटी कैरवान भी लेते हैं एट द सेम टाइम क्योंकि आपका जो ड्राइव है द जर्नी यू वॉन्ट टू इन्जॉय. इन कार यू आर जस्ट सिटिंग, इन अ कैरवान यू वॉन्ट टू इन्जॉय इट. सो जगह जगह आप जब रुक के फ़ोटो खींचते हैं या किसी भी छोटी चीज़ के लिए आप रुकते हैं तो उसमें टाइम लगता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट द जर्नी टाइम इफ इट इज़ 10 hours वी से इट्स गोइंग टू टेक 16 hours. और अभी ये हुआ द अर्ली डिपार्चर टाइम फ्रॉम ऋषिकेश दिस टाइम वॉज 4 AM बट आई थिंक दे लेफ्ट एट 10:30ish. और अब हमें यहाँ से करेक्ट 14 आवर्स का जो ड्राइव था हमारा. राइट नाउ वी आर एट दी लोकेशन और अभी हमें यहाँ से आगे पहुँचने में अप्रॉक्सीमेटली इट्स गोइंग टू बी 10 PM. सो दैट इज़ द करंट अपडेट. वहाँ पे पहुँच के हाउ वी ईट, हाउ वी लाइक वॉट वी डू, हाउ वी डू इट, दैट आई विल बी शोइंग यू दी behind the scenes of what goes behind creating an itinerary and what goes behind the plan jo aap log experience karte hain after its live. सो पीपल ये जो क्लिफ हैंगर्स है दीज आर वॉट वी नीड टू अवॉइड फॉर बिगर व्हीकल्स. ये तो छोटी गाड़ी है विलो सो वी कैन ईजिली क्रॉस थ्रू बट बिगर व्हीकल्स स्पेशली इन दीज एरियाज लाइक स्पिति वी नीड टू अवॉइड. सो दैट इज द रीजन रेकी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तब तक ये नहीं था यहाँ पे. घर भी और मेंटेनेंस डबल है ना बारिश की वजह से. पक चुके वो फोन
आज की ट्रिप। अभी तो खाली है वो, तो सामने से जब गाड़ी आएगी ना, जब इसमें आप ड्राइविंग करोगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो गाड़ी को रोकना है। ये वाला था कट, इसमें तो चढ़ जाएगी उनसे। अभी वाला तो थोड़ा टूटा फूटा था। ये रहा ना GMB एंड गेस्ट हाउस, यही है। Bend. After that, we'll be reaching. There is a view. वो ये बड़ी गाड़ी में जाएंगे तो खाना भी जल्दी बनेगा। हाँ, और एक अगर रुक भी रहे हैं तो एज सच कुछ वो नहीं होगा। मेन लंबाई का है ना, यहाँ पे लंबा व्हील बेस कटेगा ही नहीं। यही होगा शायद भैया ऊपर की तरफ GMBN। वेलकम एट स्की रिजॉर्ट ओली। लाइट इज लो बट राजमा चावल पक रहा है अभी। नो सो अभी हमने काफ़ी इनपुट लिया है। इफ़ यू कैन नॉट टेल कितनी सर्दी है, दिस इज हाउ आई एम राइट नाउ। तो टेम्परेचर काफ़ी कम है अभी, एंड हम लोगों ने यहाँ बात करी है टू क्रिएट द आइटनरी विद अस many people local specifically as to कौन सी locations prime रहेंगी, because when you're coming in a camper you see this whole parking area is it's filled with cars and this is the season time। तो अभी अगर हम आते हैं it's okay, but अभी आने वाले time में जो December का time है, अगर हम December में आते this would not have worked out at all। तो हम अभी जगह ढूँढ रहे हैं जहाँ पर we could provide an isolated getaway, and this is like the behind the scene, we go through everything so that you don't have to। hum log ye sari jo locations find out karna hai, thand jhelna hai, aise ye sab we do it so that you won't have to do it, and that's why curated itineraries are like it's a lot of effort, but at the end once we've created it it's really good just like other packages। the current scenario is jo hamare client hai they have opted for a resort that's behind me, and hum log abhi apna khana wana karke I think my voice is about to go, hum log abhi apna khana wana sab karke will be getting in a good sleep, and morning first hour we'll have to rush downstairs, or not downstairs, what's happening to my brain, morning first hour we'll have to head towards Joshimath, because यहाँ पे snowfall पड़ने वाला है, and if we get stuck here then it's going to be for at least 10 days की हम यहीं रहेंगे। so current plan is to head straight to Joshimath, and अभी खाने का plan है, that is the update। my hand is aching, so bye bye। इसके ऊपर कुछ रखूँ या ऐसे ढक दूँ मैं अंदर घुस जाऊँ? तो ये सब हम घर से लेके आए थे प्री प्रेप करके, एंड नाउ वी आर री कुकिंग इट बिकॉज ऑफ द रीसेंट इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ है। वी डू नॉट वॉन्ट टू ईट आउटसाइड फूड, एंड इसलिए एवरीथिंग वी आर मेकिंग।
Not in the comfort of our home, but at least in front of us. जितनी घर पे स्पीड होती है ना उतना स्लो मोशन. पर हमारी डेडिकेशन आप देख सकते हो. हम तब भी हेल्दी फूड खाते हैं, मतलब आज तक घर में इतना फुकता हुआ तवा हाथ नहीं लगाया होगा. यहाँ उंगली लगाती है अभी कुछ नहीं हो रहा. बेबी कॉर्न ब्रोकलीज एंड मशरूम इन द मेकिंग. अंदर बैठ के हम लोग ये खाने वाले हैं. दिस इज हाउ वी आर मेकिंग इट वर्कआउट, क्योंकि हम लोग टॉर्च लाना भूल गए, चेयर्स लाना भूल गए और लकड़ियाँ हमें मिली नहीं. दी रोड वॉज सुपर डेंजरस. हमारा जो एसिड है इट्स स्किड ऑलमोस्ट ट्वाइस और थ्राइस आई से बिकॉज ऑफ द रोड, क्योंकि टूटा हुआ है पूरा जो रास्ता है. पर अगेन हियर वी आर. कल मॉर्निंग में आपको व्यू दिखाएंगे यहाँ का. करंट मेस. खोलो. हाँ खोलो. हाँ खींचो नीचे से. अच्छा नीचे से. अच्छा ऐसे. अब ऊपर करो. हाँ हो गया. सो गाइस सक्सेस एंड थैंक्स टू मम्मास रेसिपी. नहीं है वो फोन किया था अमित. और खाना कुछ बाने बहना का और खाना है कुछ होने का. हमने खा लिया ठीक है. हमें खाना है तो बंद कर दियो. Morning everybody. So right now we're having our brekkie. It is 11:18 AM. View bahut pyara hai yahan ka, but I think we'll be dropping Ollie because yahan pe aane ka fayda in a caravan nahi hai. And like even this location where we are currently at, yahan pe parking ka abhi hi itna issue hai. So in season time it's going to be really very hectic, especially for Willow. I don't know if you're able to see it behind me. So we're dropping Ollie, but we'll be exploring other locations nearby Ollie. Tapovan se aage thodi jagahe hain. We'll be exploring those. Raat mein hamari jo sleep thi in the rooftop tent, it was really good. It was cozy kyunki hum logon ne sleeping bags and all sab kuch carry kar rakha tha, thankfully. Snow hone ka yahan chance tha, but abhi I don't think it's going to snow yet, but फिर भी हम safer side नीचे उतर जाएंगे because if the bigger vehicle Willow gets stuck here तो हम 10 days तक यहीं रह जाएंगे and we do not want that to happen. So currently the plan is नीचे breakfast करने के बाद नीचे जाना है, explore करना है and we'll find more locations, but Ollie is not it. क्योंकि यहाँ पर अगर आपको आना है तो आप ski कर सकते हैं. आप ट्रॉली जो है केबल कार उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, बट दैट इज़ ऑल. और यहाँ पर्टिकुलरली आने का फ़ायदा नहीं है. वी ट्राई टू फाइंड आउट
सम स्पॉट्स जो हमें आइसोलेटेड स्पॉट्स मिल जाए जहाँ पे हम लोग गाड़ी को पार्क करके एटलीस्ट यू कुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ कैरवान, बट वो पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे. सो वी आर ड्रॉपिंग ऑल ही आई थिंक. आपकी अगर कस्टमाइज आइटनरीज होंगी वी विल बी एबल टू सेंड द कैरवान हियर. बट अगेन जैसे आज है हमारा, जिन क्लाइंट ने हमारा व्हीकल हायर किया था दे आर करंटली स्टेशन इन दिस होटल GMVN एंड दे आर गोइंग टू बी हियर. कैरवान जो है वो नीचे उतर जाएगा बिकॉज जोशीमठ तक जाना हमारा आज बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम नहीं उतरते 10 days being stuck here, not a point. We have other bookings. उनको कैसे कोप अप करेंगे. सो लाइक द प्लान इज टू जस्ट हैव दिस ब्रेकी एंड हेड टू जोशीमठ एज सून एज पॉसिबल. हमें ऐसी लोकेशन देखनी है जहाँ पे गाड़ी को हम पार्क करें, गाड़ी चली जाएगी हमारी. लगेगी लगेगी साइड में लगेगी.